अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये टचवुड जा रहे हैं ना, ये सोनीपत में है ना जी? जी रहीम, सलाम अलैकुम। आज मैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए टचवुड जा रही हूँ। टचवुड शॉपिंग सेंटर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी यूके आती हूँ तो यहाँ ज़रूर जाती हूँ। ये सोलीवुड के इलाके बर्मिंघम में है। हमेशा मैं मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ की शॉपिंग पसंद है। हम जा रहे हैं और मौसम भी ज़रा बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। इंशाल्लाह देखो थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। सोलीवुड आ रहा है ना, ये करीब है ना। पेशावर से जाओ ना, पेशावर रोड पे इसी तरह से। ये इनकी कार पार्किंग में हम लोग आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी पार्किंग, बहुत ही बड़ी कार पार्किंग है और काफ़ी यहाँ पे सहूलत है गाड़ी खड़ी करने की। इधर उधर नहीं खड़ी करनी पड़ती यहाँ पे। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि हर जगह के लिए कार पार्किंग है। अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह ये चीज़ें बहुत बन रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी पार्किंग है। पाकिस्तान ने भी हमारी बहुत तरक्की कर ली है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर। मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी क्योंकि हफ्ते में एक मरतबा या दो मरतबा ज़रूर मैं जाती हूँ। तो बस हल्की फुल्की शॉपिंग कर लेती हूँ। वैसे तो आजकल पाकिस्तान में भी सब कुछ हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जब बंदा कहीं जाता है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे बच्चे हैं, पोता पोतियाँ, नवासे नवासियाँ या कुछ जानने वाले, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा गिफ्ट ले जाना पड़ता है। वैसे तो वज़न का इतना मसला है कि 40 किलो वज़न फ्री होता है, वो बस 20 किलो तो अपने कपड़े वपड़े हो गए और बाकी छोटी चीज़ें ले लो तो तब भी इतना वज़न हो जाता है वगैरह। पड़े हुए हैं साथ एक एक करके ले जाएं। लेकिन बस ये है कि यहाँ भी मैं अक्सर कोशिश करती हूँ, यहाँ भी अपने घर में जेंट्स मैंने रखी हुई हैं लेडीज़। मैं अभी जेंट्स उसमें आ गई हूँ, उसमें थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है। और ये मैं अभी ऊपर जा रही हूँ, ऊपर लेडीज़ का पोर्शन। ये मार्क एंड स्पेंसर है। मुझे यहाँ पे इसकी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब भी मैं तकरीबन हर साल ही आती हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। ये लेडीज़ सेक्शन है, मैं अपनी देखती हूँ मैं क्या ले रही हूँ। ज़्यादातर यहाँ से ज्वेलरी और हैंड बैग्स वगैरह, क्योंकि इनके इतने वज़न नहीं होते ना। कपड़े लो तो कपड़े वैसे यहाँ पे हमारी उस मर्ज़ी के कपड़े मिलते भी नहीं हैं, लेकिन हैंड बैग्स होते हैं, ये ज्वेलरी है और क्रॉकरी। यहाँ पे अभी क्रॉकरी भी बहुत मज़े की, कितने खूबसूरत डेकोरेशन पीस हैं। दिल करता है कि सब कुछ थोड़ा एक चीज़ लेके साथ बंदा करें, लेकिन बस वही। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे, ये मुझे ये टचवुड का इलाका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सोलीहुल में है, और सोलीहुल में है ये। यहाँ पे देखें, ये कॉफ़ी शॉप्स भी हैं और धूप निकलती है तो सब लोग आ जाते हैं। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इस जगह को बहुत पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड जब ज़िंदा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ मैं आती थी और उनकी मोस्ट फेवरेट जगह थी ये। इधर उधर कॉफ़ी शॉप्स हैं, बैठ के बंदा कॉफ़ी भी पी सकता है। और तो बाकी ये कि बस देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, मुझे ये इलाका बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखिए हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे। अब ये आगे जो है ना टचवुड की का शॉपिंग सेंटर आएगा। क्लार्क से मैं हमेशा जूते लेती रहती हूँ। अभी भी मैंने यहाँ से अभी देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ। एक आध चीज़ तो मैं ज़रूर लूँगी यहाँ से। तो मैं अब टचवुड
ये शॉपिंग सेंटर है अंदर बहुत बड़ा है, इसमें एक दूसरा अंदर ये मल्टीनेशनल है, वो घड़ी है यहाँ बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, जॉन लुइस उसका नाम है, और आसपास भी इसकी दुकानें हैं। अंदर जाके ना बस बिल्कुल अंदर काफ़ी सारी इधर उधर बहुत सारी शॉप्स हैं, ये स्टेशनरी बच्चों को बहुत अच्छी मिलती है, पेंसिल बॉक्स वगैरह जिस तरह से ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बस मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है, मेरे पास वज़न का भी मसला है, और ऐसा है कि बस कुछ इस तरह से ज़्यादा पर्स और ये चीज़ें चप्पल वगैरह हैं, और बच्चों के लिए छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वैसे भी ये मैं अभी बहुत अच्छी क्रॉकरी भी यहाँ मिलती है, ले जाने को बहुत दिल करता है, लेकिन चूँकि बस ये है कि दूर हैं, और यहाँ के लिए तो मैं ले लेती हूँ, यहाँ की मैंने थोड़ी सी क्रॉकरी भी है जो मैं थंबनेल पे लगाऊंगी, और मुझे मोज़े वगैरह और ये चीज़ें काफ़ी सारी मैंने ये चीज़ें ली हैं। ये H&M से मैं शॉपिंग करती हूँ, ये पाकिस्तान में भी इसकी सप्लाई होती है, लोग यहाँ से मंगवाते हैं, और बस यही। बहुत अच्छी मिलती है बच्चों के लिए, ज्वेलरी में इतना वो नहीं होता, वज़न नहीं होता, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ज्वेलरी खरीदती हूँ यहाँ से बच्चों के लिए, अपनी नवासियों के लिए, जो चीज़ें मुझे बस मिल जाती है, जो चीज़ सामने से बस मैं ले लेती हूँ, जो जिसका ज़्यादा वज़न नहीं होता। अब मैं यहाँ पे अब मैं ये ऊँची शॉप गई हूँ, ये भी मेरा ख्याल है, हाँ ये जोन लुइस, ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, अंदर से बहुत बड़ा, इसमें बेडशीट्स वगैरह और क्रॉकरी और हर किस्म की बहुत अच्छी कटलरी बहुत अच्छी मिलती है। आजकल हमारे पाकिस्तान में भी माशाल्लाह हर चीज़ जो है ना, ये चीज़ें वहाँ भी मिल जाती हैं, सिर्फ जाने को बस दिल करता है कि जाके देख के आ जाएं। और यहाँ से मैंने एक टी शर्ट भी लिया है यहाँ इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यहाँ भी मैं आती रहती हूँ, यहाँ भी मेरा घर है, ये जो ब्लू वाला टी शर्ट है ये मैंने ले लिया है यहाँ से, और उनको पैक करने के लिए दिया हुआ है। ये देखिए बसें यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं, मुझे यहाँ की बसें में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन अगर मुझे ले जाने वाला हो बस में तो मैं ज़रूर जाती हूँ, यहाँ की बसें में मुझे बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल जो होते हैं जिसके मतलब जैसे उसको ऊपर चढ़ने में तकलीफ़ हो तो वो पायदान जो है नीचे उतर आता है। और बस इस तरह से अब हम लोग इंशाल्लाह बस घर वापसी का करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बस मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता कि बारिश न शुरू हो जाए, और थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह भी लेने। देखे मैंने ये मेरे बेटे के पास से मैंने यहाँ से एक टी शर्ट लिया है, और आठ का है, 8% का मैंने टी शर्ट लिया है, और बस हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, हम पार्किंग में आ गए हैं, और यहाँ से हम गुज़र के जाएंगे, थोड़ा बाहर की तरफ से जाएंगे, पार्किंग की तरफ से हम लोग बाहर जा रहे हैं। मेरे पास कोई ख़ास इतना व्लॉग नहीं होता, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं, और जैसे मेरे अभी बच्चों के बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह से बड़े हैं, लेकिन बस उनके लिए मेरे पास कोई ख़ास इतना व्लॉग नहीं होता, सारा दिन बच्चे स्कूल में होते हैं, और मुझे भी मेरी उम्र का ये है कि मैं इस उम्र में हूँ कि मुझे मेरे साथ ही हर वक्त कैमरा और ये चीज़ें हर जगह पे ना कैमरा लगा के देखती हूँ, तो मतलब यंग लड़कियों बच्चियों का काम है जो उनके साथ वो होता है, मुझे अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मैं जब कहीं जाती हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना के और अपनी उस पर अपने चैनल पे अपलोड करूँ। ये अभी यहाँ पे हम लोग अभी जो हम आए थे और उसमें कार पार्किंग के चार्जेस जो है ना कॉइन्स में यहाँ से लेते हैं, यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, तो अभी हम लोग अपनी वो स्लिप ले रहे हैं कि आगे हम लोग जब जाएंगे बाहर निकलेंगे तो वो स्लिप वहाँ पे लेनी पड़ेगी ना, उसके बगैर जो है ना वो हम बाहर ही निकल सकते हैं।
यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। देखिए कोई भी इस तरह से है कि गलत काम नहीं कर सकता, और बस पार्किंग के लिए ना किसी को पैसे देने पड़ते, बस मशीन लगी हुई, आप उसमें पैसे डाले, आपका टिकट निकल आएगा। हम आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, ओपन द डोर प्लीज, जा रहे हैं। बंद है हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, अल्लाह करे बारिश ना हो, घर पहुंच जाए तो बारिश हो। बस अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें कि मैं मतलब बस ये कोशिश करती हूँ कि भाई जैसे कुछ ना कुछ मैं कर लूँ।